64 बाइट सर 8 से मल्टीप्लाई सर, कर टू दूंगा, फिफ्टी 32 सिक्स बाइट अच्छा सर, 32 × 8 4 बाइट। कितने बाइट्स होती है बेटा? सर 1 बिट इक्वल्स टू 32 बिट, 8 32 बिट8 से8 8 बाइट बनेगी सर, 8 बाइट बनेगी सर 4 बाइट। वेरी गुड, 4 बाइट। क्यों? वन बिट 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, मतलब बिट ज्यादा है बाइट कम है, 32 बिट है, 32 से कम होगी बाइट। हाँ यस, ठीक है। तो 32 / 8 दैट इज 4 बाइट। तो आईपी वर्जन 4 का 4 बाइट लेंथ होगा आईपी एड्रेस का, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। ओके, अब यहां पे कोई भी पैकेट, कोई भी मैसेज, कोई भी सेगमेंट्स इन अ वर्जन ऑफ आईपी V4, उसकी जो विड्थ होगी स्टार्ट ए से एंड तक, यहां 32 बिट की एक वैल्यू होगी। ऐसे 32 बिट के नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, ठीक है। तो हमारे पैकेट के अलमारी जैसे, तरह से समझ लीजिए, ऊपर वाला खाना, उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, मतलब 32 बिट से ज्यादा वैल्यू नहीं कर सकते हम, चौड़ा कर नहीं सकते। उसके बाद उसके नीचे हम भले ही कितना भी बढ़ा दे, ठीक है। ये किसी भी मैसेज फॉर्मेट का, पैकेट फॉर्मेट का, सेगमेंट का मेथड होता है। क्लियर हो गई ये चीज, जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहां पे एआरपी का पैकेट फॉर्मेट है, जो एआरपी का पैकेट फॉर्मेट है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 32 बिट। हमेशा ध्यान रखना, 32 बिट से ज्यादा नहीं होगी, 32 बिट से कम नहीं होगी, 32 ही होगी आईपी वर्जन V4 में। क्लियर है ये इंस्ट्रक्शंस? यस सर। अब इस 32 बिट में फर्स्ट, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बाइट के टर्म में ले लिया, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट एंड 4 बाइट, ठीक है। उसके अंदर भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, बिट वाइज भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बट हमने यहां पे 4 बाइट में दे दिया। तो हमारे पास जो हार्डवेयर एड्रेस होता है, तो एआरपी का पैकेट फॉर्मेट ये बनाएंगे आप लोग, अभी कंटिन्यू में बनाए, मैं इस वीडियो की लास्ट में सभी से एआरपी का पैकेट फॉर्मेट देखना चाहूंगा। तो फर्स्ट 16 बिट्स और 2 बाइट्स, 16 बिट्स और 2 बाइट्स इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर। एआरपी पैकेट में फर्स्ट 16 बिट्स और 2 बाइट इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, हम देखेंगे इसको। सेकेंड 16 बिट्स और 2 बाइट्स इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टाइप, किस टाइप का प्रोटोकॉल है ये। थर्ड, नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट 8 बिट्स इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर लेंथ, 8 बिट हार्डवेयर लेंथ के बारे में बताएगा। सेकेंड, 8 बिट्स और 1 बाइट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल लेंथ, ये किस टाइप का प्रोटोकॉल है और उसकी लेंथ कितनी है, यहां वो स्टोर हो जाएगी। थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशन, व्हाट टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन एआरपी एंड आरएआरपी, व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर देयर, बताए नाम इसका, अभी हमने देखे हैं, ये कौन से टाइप का ऑपरेशन कर रहा है क्लास, क्या है ये, सिस्टम ए रिक्वेस्ट, और इसको रिक्वेस्ट के एवज में क्या मिल रहा है, रिप्लाई, रिप्लाई। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑपरेशंस, समझ में आया, कौन कौन से, एक रिक्वेस्ट और एक रिप्लाई। एआरपी रिक्वेस्ट मेथड पैकेट जा रहा है या रिप्लाई पैकेट आ रहा है, वो किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, रिक्वेस्ट होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी और रिप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिखा हुआ है, 2 2 2 हो जाएगी सर,
ठीक है, रिक्वेस्ट अगर इस पैकेट फॉर्मेट में रिक्वेस्ट ऑपरेशन में वन आए विच मीन्स दैट इट इज फॉर रिक्वेस्ट. अब रिक्वेस्ट है तो मैसेज कौन सा टाइप का है, ब्रॉडकास्ट है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है? रिक्वेस्ट वन है ना, तो देखिए रिक्वेस्ट है तो ये ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है, यूनिकास्ट है? यूनिकास्ट. ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट. इसके बाद एक स्टेप हो, अगर ये रिक्वेस्ट है तो ये किस चीज को ढूंढ रहा है? फिजिकल एड्रेस. ओके, क्या ढूंढ रहा है? फिजिकल एड्रेस करस्पॉन्डिंग विथ आईपी एड्रेस. ठीक है, अगर ये रिप्लाई है तो वो किस टाइप ऑफ मैसेज है, मैसेज का कौन सा टाइप है, कास्टिंग क्या है उसकी? यूनिकास्ट. यूनिकास्ट. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी. ये जो रिक्वेस्ट है अगर मैसेज में रिप्लाई फॉर्मेट में है, टू वैल्यू आई है, विच मीन्स दैट व्हाट इज टाइप ऑफ मैसेज इट इज, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट? यूनिकास्ट. ठीक है, ये क्या लेकर आ रहा है? फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस लेकर आ रहा है. फिजिकल एड्रेस लेकर आ रहा है. ठीक है, तो ये डायग्राम देख के हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, इस पैकेट फॉर्मेट को देख के हमें पता लग सकता है. यस यस और नो? यस सर. ठीक है, अब उसके बाद यहां पे दूसरा चीज आता है, सेंडर हार्डवेयर एड्रेस. मेरा हार्डवेयर एड्रेस क्या है जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं? ठीक है, विच मीन्स दैट हार्डवेयर एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज मैक एड्रेस. मैक एड्रेस. मैक एड्रेस. ठीक है, 6 byte इसके लिए हो गई है. ठीक है, ठीक है. सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, मैं जो भेज रहा हूं मैं अपना आईपी एड्रेस भी पॉइंट करके भेजूंगा. ठीक है, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस मुझे फाइंड करना है. टारगेट हार्डवेयर एड्रेस मुझे फाइंड कर रहा है. अगर यहां पे रिप्लाई वैल्यू है, अब आप इस चीज को एक बार देखिए, अगर रिक्वेस्ट है तो टारगेट एड्रेस वैल्यू क्या जाएगी? ब्लैंक. क्यों? क्योंकि मुझे फाइंड करना है. ओके. यस सर. ओके, अगर रिप्लाई मेथड ऑपरेशन है विच मींस दैट टारगेट की वैल्यू आ रही है, तो ये रिप्लाई के वक्त में यहां पे वैल्यू मिलेगी, रिक्वेस्ट के वक्त में यहां पे वैल्यू नहीं मिलेगी. टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी का एड्रेस मिल जाएगा. तो कौन कौन सी फील्ड हमेशा मिलेगी रिक्वेस्ट में? रिक्वेस्ट में ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी. ठीक है, रिप्लाई में सारी की सारी वैल्यू मिले. ठीक है, अगर रिप्लाई है तो ब्रॉडकास्ट किस टाइप का हो गया ये पता लग जाएगा. ठीक है, अब यहां से थोड़ा स्टेप एक और आगे लेते हैं, हमारे हार्डवेयर का टाइप क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड देयर टाइप? हार्डवेयर टाइप क्या है? कितने टाइप ऑफ हम नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए दो मेथड्स होती है हमारे पास, कौन कौन सी दो मीडियम्स होते हैं? मीडियम्स ही बात करते हैं. चलो सर, वायर्ड और वायरलेस. वेरी गुड, वायर्ड एंड वायरलेस. तो क्या दोनों मीडियम का डिवाइस सेम है? नहीं सर. दोनों हार्डवेयर सेम है? नहीं सर. नो सर. आपको हार्डवेयर टाइप का मेथड मिल गया, कौन सी टाइप का हार्डवेयर है ये? वायरलेस. अब ये सिर्फ नेटवर्क एंड की बात करते हैं, हम एक स्विच से दूसरे स्विच में भी कनेक्ट करते हैं तो वो भी उस टाइप का हार्डवेयर वहां पे हो जाता है. हम एक स्विच से राउटर में भी कनेक्ट करते हैं, उस टाइप का भी हार्डवेयर हमें पता लगता है.
अब वायरलेस हो गया, राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, जो भी नेटवर्क डिवाइस कनेक्शन के काम पे आती है, दैट देयर हार्डवेयर टाइप। ओके हो गई ये मेथड, ये फील्ड भी फिनिश हुई हमारी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल टाइप? प्रोटोकॉल टाइप का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम कनेक्टेड है? वायरलेस मीडियम में कनेक्टेड है, वायर्ड मीडियम में कनेक्टेड है। अगर हम वायर्ड मीडियम में हैं तो कौन सी, कैट सिक्स केबल है, और उसके बाद की फाइबर ऑप्टिक्स केबल है या कोई और दूसरे टाइप की केबल है। ठीक है, ये पता लगे। अगर वायरलेस मीडियम में है तो कौन से मेगाहर्ट्ज पे हम कनेक्टेड है, क्या दो जो मीडियम है वो दोनों वायरलेस है, या एक वायर्ड है और एक वायरलेस है, एक वायर्ड में राउटर के साथ कनेक्टेड है, या उसके अंदर किस टाइप का हार्डवेयर है, तो वो भी यहां पे क्लियर हो। ठीक है, तो हमें उसे उस मेथड को पता लगेगा कि हम किस कैटेगरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब उस हार्डवेयर की लेंथ कितनी है, उस प्रोटोकॉल की लेंथ कितनी है, ऑपरेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस तरीके से एआरपी पैकेट हमारा बनता है। अब ये जो एआरपी पैकेट है, इसके अंदर हमारा एनकैप्सुलेशन होता है। किसका एनकैप्सुलेशन होता है, हमने दो चीज देखी थी पैकेट के अंदर, ये सिर्फ हमारा डेटा भेजने की पैकेट का काम, जो हम डेटा भेज रहे हैं ये यहां से लेके यहां तक होता है। उसके अलावा भी हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे, याद करो, तो हमने 1000 डिवाइडेड बाय 10 करा था, तो 100 नोट्स आप लोगों ने बोले थे। फिर मैंने बोला था कि उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज होती हैं, किस कैटेगरी की है, तो वो उसके अंदर वो वैल्यू माइनस हो जाती है, तो ये उस का एनकैप्सुलेशन पैकेट। ठीक है, सोर्स एड्रेस कौन सा है, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, वो किस टाइप से कनेक्टेड है, जो डेटा हम भेज रहे हैं वो एआरपी आरएआरपी में ये है, और एक मेथड होती है सीआरसी। सीआरसी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, नोट कर लेना कहीं पर भी। ठीक है, और ये डायग्राम भी बनाए, बना लिया। सर आप थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखा देंगे? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया था, शुरू में स्क्रीनशॉट ले लूंगा। मिल गए, ले लिया। सर आपने सीआरसी का फुल फॉर्म क्या बोला? सर इससे पहले वाली कोई, अब वो बाद में बताऊंगा बेटा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये बना ले सभी लोग, ये बन गया, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें, बनाना है सभी को। अब ये है, चार केस होते हैं एआरपी को आईपी ढूंढने में, तो एक सेंडर से होस्ट को कनेक्ट करता है, सेकंड केस इज सेंडर टू राउटर कनेक्शंस, थर्ड केस इज राउटर टू राउटर कनेक्शंस, एंड फोर्थ केस इज राउटर टू रिसीवर कनेक्शन, विच मींस दैट एक सेंडर से एक होस्ट के बीच में दो राउटर लगा दें अगर, तो चार कैटेगरी में हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो सकता है। एक डेस्टिनेशन से आईपी डेटाग्राम के थ्रू, आईपी एड्रेस से राउटर के पास, राउटर से राउटर के बीच में, और एक राउटर से डेस्टिनेशन के बीच। ठीक है, तो ये चार केसेस होते हैं अपने एआरपी। रिक्वेस्ट इज फॉर ब्रॉडकास्ट, रिप्लाइज फॉर यूनिकास्ट, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। केस वन, सेंडर से होस्ट विद इन अ नेटवर्क, बिटवीन टू नेटवर्क्स एंड विद इन अ नेटवर्क फ्रॉम राउटर। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यस सर, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है?
हाँ यस सर।